अस्सलामुअलैकुम क्लास, वेलकम टू द वीक 12 स्ट्रक्चर ऑफ फेलियर एंड रिकवरी। इस लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डेटाबेस में कौन कौन से फेलियर अकर हो जाते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे वो जो फेलियर अकर हुए थे, हमारा सॉफ्ट फेलियर, हार्ड फेलियर, कमिट प्रोटोकॉल्स, उनको हम किस तरह से रिकवर कर सकते हैं वन बाई वन, वो हम देखेंगे। हर जो डेटाबेस है उसमें फेलियर आ सकता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, मगर हमारे पास कुछ रिकवरी टेक्निक्स हैं जो कि आज के हम लेक्चर में देखेंगे। जो रिकवरी स्ट्रेटजीज हैं जो डेटाबेस की, वो बेसिकली दो स्टेट्स में होती हैं। इन केस ऑफ सॉफ्ट फेलियर दैट रिजल्ट्स इन द इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटाबेस, रिकवरी स्ट्रेटजी इंक्लूड द ट्रांजेक्शन रीडू और अनडू। हाउएवर ट्रांजेक्शन रीडू मे ऑल्सो बी अडॉप्टेड टू द रिकवरी कंसिस्टेंट एट द स्टेट ऑफ ट्रांजेक्शन। जब सॉफ्ट फेलियर हमारे पास अगर होता है तो हम उसे दो तरह से रिकवर कर सकते हैं, या तो ट्रांजेक्शन को रीडू कर दें, रोल बैक कर दें, या ट्रांजेक्शन को कमिट कर दें। ये जो इनकंसिस्टेंसी लेकर आता है हमारी डेटाबेस में, उसको हम इस तरह से रिकवर कर सकते हैं। और हार्डवेयर फेलियर जो है वो हमारे डेटाबेस को एक्सटेंसिव डैमेज प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो हमारे एक हार्डवेयर को ही फेल कर लेता है। तो जो रिकवरी स्ट्रेटजीज होती हैं वो हमारी रीस्टोरिंग पॉइंट होती हैं डेटाबेस के अंदर, या हमारे पास आर्चीवल बैकअप, जो हमने लॉग फाइल्स मेंटेन की होती हैं उसके थ्रू हम इनको मेंटेन कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज फेलियर फ्रॉम द रिकवरी पावर फेलियर। हमने ये पढ़ा था कि किस किस वजह से फेलियर आ सकता है। पावर फेलियर एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से हमारा सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में जा सकता है। तो उस पावर फेल के लिए रिकवरी किस तरह होती है। पावर फेलियर कॉजेज लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द नॉन परसिस्टेंट मेमोरी। व्हेन द पावर इज रीस्टोर्ड, द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रीस्टार्ट, रिकवरी मैनेजर इनिशिएट्स द रिकवरी फ्रॉम द ट्रांजेक्शन लॉग। इसका सबको समझ आ गया कि जब भी हमारे पास पावर फेलियर होता है तो वो हमेशा नॉन परसिस्टेंट मेमोरी में होता है, कभी भी परसिस्टेंट मेमोरी में नहीं होता। हमें ये सब को ये बात पता है। ओके, दूसरा ये होता है कि जैसे ही आप पावर फेलियर हो गया तो हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है, सारे सॉफ्टवेयर रीस्टार्ट हो सकते हैं। तो वो अपनी ट्रांजेक्शन लॉग में जितना डाटा पड़ा होता है वहाँ से गेट कर लेते हैं कि किस तरह हमने इस चीज़ को रिकवर करना, और आपको वहीं से विंडोज़ जो है वो स्टार्ट होकर मिल जाती है। इसकी सबसे आसान ये एग्जाम्पल, आपकी बैटरी चली जाती है, आप सिस्टम ऑन करते हैं, आपका सिस्टम रीस्टार्ट होता है तो जो चीज़ आपने ओपन की होती है वहीं से आपको नजर आती है। इन केस ऑफ इमीडिएट अपडेट मोड द रिकवरी मैनेजर्स टेक द फॉलोइंग एक्शन। इन केस ऑफ द डेफर्ड अपडेट मोड रिकवरी मैनेजर्स टेक द फॉलोइंग एक्शन। दो तरीकों से रिकवरी हो सकती है, इमीडिएट एंड डेफर्ड मोड, ये दोनों मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए। अब अगर पावर फेलियर को हम इमीडिएट मोड में अपडेट करें तो किस तरह होगी, और पावर फेलियर को ही हम रिकवर करना हो डेफर्ड मोड में तो किस तरह रिकवरी होती है। ओके, ट्रांजेक्शन्स विच आर इन द एक्टिव लिस्ट एंड फेल्ड लिस्ट आर अनडन एंड रिटर्न ऑन द अबॉर्ट लिस्ट। ऐसी ट्रांजेक्शन जो के एक्टिव हैं और या जो फेल हो चुकी हैं, उन सबको हम किस लिस्ट में डाल देते हैं, अबॉर्ट लिस्ट में डाल देते हैं, क्योंकि उनका स्टेटस अभी तक कमिट नहीं हुआ। ट्रांजेक्शन विच आर बिफोर कमिट लिस्ट आर रीडू। वो ट्रांजेक्शन जो के कम्प्लीट नहीं हुई थी उनको हम क्या कर देते हैं, रीडू स्टेट में डाल देते हैं। यानी कि एटीएम पे पावर चली गई है, लाइट चली गई, तो आप दोबारा से उसको रीडू स्टेट में ले जाएं कि एक कस्टमर जो है वो दोबारा से अपनी ट्रांजेक्शन करे। नो एक्शन इज टेकन फॉर द ट्रांजेक्शन इन द कमिट और अबॉर्ट लिस्ट। कोई भी जो आपका एक्शन है वो ट्रांजेक्शन का वो नहीं होगा कमिट और अबॉर्ट लिस्ट में। ओके, डेफर्ड अपडेट में, डेफर्ड अपडेट में आपके पास क्या होता है, डेफर्ड अपडेट में आपके पास ये होता है कि आपका जो रिकवरी मैनेजर होता है, ट्रांजेक्शन विच आर इन द एक्टिव लिस्ट एंड फेल्ड लिस्ट आर रिटर्न ऑन टू द अबॉर्ट लिस्ट। नो अनडू ऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड सिंस द चेंजेस हैव नॉट बीन रिटर्न ऑन टू द लिस्ट येट। आपका जो भी रिकवरी फेलियर हो एक्टिव लिस्ट में और फेल्ड लिस्ट में, उसको आप अबॉर्ट लिस्ट में तो डालते हैं, मगर कुछ भी चेंजेस अनडू नहीं करते, क्योंकि अभी आपकी हार्ड डिस्क में से कुछ चेंज ही नहीं हुआ था, इसलिए आपको उसके करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ट्रांजेक्शन विच आर इन दी बिफोर कमिट लिस्ट आर रीडू, सेम वैसे ही कर देता है जिस तरह हमारा इमीडिएट अपडेट करता है, इसी तरह ट्रांजेक्शन जो कमिट होने से पहले की उसको रीडू स्टेट में ले जाते हैं। नो एक्शन इज टेकन फॉर दी ट्रांजेक्शन इन दी कमिट और अबॉर्ट लिस्ट। कमिट और अबॉर्ट लिस्ट में भी आप कोई एक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं करते। ओके, नेक्स्ट वन इज रिकवरी फ्रॉम डिस्क फेलियर। अब आपका पहला जो फेलियर था वो किसका था, सॉरी पावर का फेलियर था। अब अगर आपकी डिस्क फेल हो गई, यानी कि हार्ड डिस्क में कोई इशू है, तो आपने उसको कैसे रिकवर करना है। आ डिस्क फेलियर और हार्ड क्रैशेस कॉजेज अ टोटल डेटाबेस लॉस। ऐसा ही है, जैसे ही आपकी डेटाबेस, आपकी हार्ड डिस्क क्रैश हुई, इसका मतलब आपका सब कुछ खत्म। मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, मेरी हार्ड अभी रिसेंटली खराब हुई थी और मेरे पास पिछला फाजा फील्ड के स्टूडेंट्स का सारा डाटा, सब रिकॉर्ड मेरे पास से खत्म हो गया था। इसलिए डेटाबेस में जब हार्डवेयर का इशू आता है तो आपका सब कुछ लॉस, कॉस्ट सब कुछ गया।
टू रिकवर फ्रॉम दी हार्ड डिस्क क्रैश अ न्यू डिस्क इज प्रिपेयर्ड। हमेशा जाहिर है आपको एक न्यू डिस्क प्रिपेयर करनी पड़ती है, देन आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्टोर करना पड़ता है, और फाइनली आपको अपना डेटाबेस रिस्टोर करना है, जो कि आपने बैकअप्स अगर क्रिएट किए हैं तो आपकी विंडो आपका बैकअप रिस्टोर हो जाएगा, अगर तो आपने बैकअप क्रिएट नहीं किया देन यू आर इन टोटल लॉस। द रिकवरी मेथड इज सेम फॉर बोथ द इमीडिएट एंड ट्रांजेक्शन मोड। इसके इमीडिएट और डेफर्ड मोड दोनों में सेम ही है रिकवरी मेथड, क्या आपको अपना हार्डवेयर जो है वो सही करना होगा। ओके, रिकवरी मैनेजर जो अब एक्शन लेता है जब आपका हार्डवेयर फेलियर आ जाता है, तो वो कौन से दो एक्शन लेता है, जो ट्रांजेक्शन कमिट हो चुकी हैं, ठीक है, और जो कमिट होने से पहले वाली लिस्ट में, उन सबको रीडू फेज में ले जाता है, रिटर्न ऑन टू द कमिट लिस्ट इन द ट्रांजेक्शन लॉग। ट्रांजेक्शन लॉग में से हर वो ट्रांजेक्शन जो कि कमिट लिस्ट में पड़ी होती है या अभी वो कमिट नहीं हुई होती, बिफोर कमिट लिस्ट में पड़ी होती है, उन सबको वो रीडू स्टेट में ले जाता है ताकि वो रिकवर हो जाए, और वो ट्रांजेक्शन जो एक्टिव और जो फेल्ड लिस्ट में आ रही होती हैं उनको कुछ भी नहीं करता, क्योंकि उनमें से अभी कुछ भी आपने सिस्टम में चेंज नहीं किया होता तो वो अभी ट्रांजेक्शन लॉग में नहीं आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज चेक पॉइंटिंग। ये वो चेक पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बता कि आप पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी पे लगा लें। चेक पॉइंट इज अ पॉइंट एट द टाइम एट विच अ रिकॉर्ड इज रिटन ऑन टू द डेटाबेस फ्रॉम द बफर। एज अ कॉन्सिक्वेंसेज इन द केस ऑफ अ सिस्टम क्रैश द रिकवरी मैनेजर डज नॉट हैव टू रीडू द ट्रांजेक्शन दैट हैव बीन कमिटेड बिफोर द चेक पॉइंट। पीरियोडिकली चेक पॉइंट शॉर्टन्स द रिकवरी प्रोसेस। ये क्या करते हैं, हम सिस्टम पे डिफरेंट चेक पॉइंट्स लगा देते हैं, उससे हमें फायदा ये होता है हमें पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन रीडू नहीं करनी पड़ती, हमें सिर्फ उस ए बी सी चेक पॉइंट तक जाके ट्रांजेक्शन को रिकवर करना पड़ता है, बाकी पीछे से डाटा जो है वो हमारे पास कंसिस्टेंट ही पड़ा होता है। दो तरह के चेक पॉइंट हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, एक कंसिस्टेंट चेक पॉइंट होता है और एक फजी चेक पॉइंट होता है। अब क्या करता है ये कंसिस्टेंट चेक पॉइंट और क्या करता है ये फजी चेक पॉइंट, हम वन बाय वन देखते हैं। ओके, कंसिस्टेंट चेक पॉइंट क्रिएट अ कंसिस्टेंट इमेज ऑफ द डेटाबेस एंड द चेक पॉइंट। ये समझ आई कि जो भी हमारा चेक पॉइंट है उसमें जब हम कंसिस्टेंट चेक पॉइंट पे काम करते हैं तो जो हमने चेक पॉइंट लगाया हुआ है पॉइंट ए बी सी उस पे वो आपको डेटाबेस का इमेज क्या दिखाता है, कंसिस्टेंट दिखाता है। ड्यूरिंग रिकवरी ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच आर ऑन द राइट साइड ऑफ द लास्ट चेक पॉइंट आर अनडू और अनडन। सिर्फ वो वाली ट्रांजेक्शन जो हैं जो कि ट्रांजेक्शन के राइट साइड पे लास्ट चेक पॉइंट पे लिखी होती हैं, जो कि हमें पता होता है ये लाइक डी चेक पॉइंट से जो ट्रांजेक्शन है वो फेल हुई थी, तो उसको सी चेक पॉइंट तक हम रिकवर करते हैं, बाकी सब ऑटोमेटिकली हमारे पास पीछे से कंसिस्टेंट आ रहा होता है। द ट्रांजेक्शन टू द लेफ्ट साइड ऑफ द लास्ट कंसिस्टेंट चेक पॉइंट आर ऑलरेडी कमिटेड एंड नीडेड टू बी प्रोसीड अगेन, दीज एक्शंस आर टेकन फॉर द एक्टिव ट्रांजेक्शन आर सस्पेंडेड टेम्परेरी। जो भी एक्टिव ट्रांजेक्शन है उनको हम टेम्परेरी सस्पेंड कर लेते हैं, जो भी मेन मेमोरी में चीज़ें हैं वो हम उसको हार्ड डिस्क में लिख लेते हैं ताकि हमारे पास जो है वो डाटा स्टोर रह जाए। चेक पॉइंट रिकॉर्ड जो है वो ट्रांजेक्शन लॉग में लिख लेते हैं कि जी हमने सी चेक पॉइंट तक डाटा रिकवर किया था, ए और बी तक पीछे से ऑलरेडी रिकवर था। ट्रांजेक्शन लॉग इज रिटन ऑन टू डिस्क और फिर उस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड को आप हार्ड डिस्क में रख लेते हैं ताकि आपके पास सेव रहे और बाकी सारी जो ट्रांजेक्शन जिनको सस्पेंड किया था उन सब की सब ट्रांजेक्शन को आप रिमूव कर लेते हैं। इन द स्टेप फोर ट्रांजेक्शन लॉग इज अचीव्ड एज वेल। दिस इज द चेक पॉइंट एड्स टू द रिकवरी फ्रॉम द डिस्क फेलियर एंड द पावर फेलियर, अदरवाइज इट एड्स टू द रिकवरी फ्रॉम द ओनली पावर फेलियर। ये जो स्टेप फोर है जिसमें हम ट्रांजेक्शन लॉग को हार्ड डिस्क में रिटर्न कर लेते हैं, आपका पावर फेलियर और हार्ड डिस्क फेलियर और दोनों के लिए भी काम करता है, कंसिस्टेंट चेक पॉइंट है जो। ओके, नेक्स्ट वन इज फजी चेक पॉइंट। फजी चेक पॉइंट क्या करता है, इन फजी चेक पॉइंट एट द टाइम ऑफ चेक पॉइंट ऑल द एक्टिव ट्रांजेक्शंस आर रिटन इन द लॉग। इन केस ऑफ द पावर फेलियर द रिकवरी मैनेजर्स प्रोसेस ओनली दोज ट्रांजेक्शन दैट वर एक्टिव ड्यूरिंग द चेक पॉइंट लेटर। फर्जी लॉजिक में ये होता है कि जो सारी पॉइंट्स हमारे चेक पॉइंट जो एक्टिव ट्रांजेक्शन होती हैं उनको हमने लॉग में मेंटेन करके रखा होता है, जो पावर फेलियर होता है यानी कि लाइट चली जाने के बाद जो मैनेजर है सिर्फ उन्हीं एक्टिव ट्रांजेक्शन को रीडू स्टेट में लेकर आता है जो के लॉग में पड़ी हुई थी। ओके, द ट्रांजेक्शन दैट हैव बीन कमिटेड बिफोर द चेक पॉइंट आर रिटन ऑन टू द डिस्क हैंस नॉट री टू बी रीडन। तो फिर वो ट्रांजेक्शन को रीडू करने को आपसे नहीं कहता कि आप दोबारा सी एन आई सी डालें और दोबारा पासवर्ड नहीं डालें, वो आपसे सिर्फ ये पूछता है आप सिर्फ अमाउंट एंटर करें, जी आपके पास पैसे नहीं आए इसलिए आप दोबारा अमाउंट एंटर करें, हम आपको उतनी पेमेंट जो है वो दे देंगे। अब इसकी एग्जाम्पल दी हुई एग्जाम्पल ऑफ चेक पॉइंटिंग, लेट अस कंसीडर दैट दिस सिस्टम द टाइम ऑफ द चेक पॉइंट द टी चेक एंड द टाइम ऑफ द सिस्टम क्रैश इज टी फेल। ये दो हमारे पास वेरिएबल्स उसने डिफाइन किए, उसने ये कहा है कि हमने टाइम चेक करना है कि किस टाइम पॉइंट पे या किस जगह हमारे पास सिस्टम में किस टाइम पे चेक पॉइंट लगा था और किस टाइम पे हमारे पास सिस्टम में फेलियर आया, उसको टी फेल लिखा है। अब आपको एग्जांपल दिया, आप चार ट्रांजेक्शन कंपेयर कर लें ए बी सी डी, सपोज आपके पास चार ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन ए कमिट बिफोर द चेक पॉइंट, अब जो सबसे पहली ट्रांजेक्शन है वो चेक पॉइंट ए से पहले ही कमिट हो गई है, इसका क्या मतलब है, वो
कंसिस्टेंट स्टेट में आ गई है. ओके, ट्रांजैक्शन बी जो है वो स्टार्ट कब हुई है, जो आपने चेक पॉइंट लगाया था यहाँ पर, सपोज बी चेक पॉइंट लगाई, यहाँ पर उसने नाम दिया हुआ है टी चेक पॉइंट का, ठीक है. जो ट्रांजैक्शन बी है वो कब स्टार्ट हुई है, स्टार्ट बिफोर द चेक पॉइंट एंड कमिट बिफोर द सिस्टम क्रैश. कब हुई है, स्टार्ट हुई है चेक पॉइंट से पहले, और कमिट कब हुई है सिस्टम के फेलियर से भी पहले, ठीक है. ओके, टी सी स्टार्ट आफ्टर द चेक पॉइंट एंड कमिट बिफोर द सिस्टम क्रैश. अब टी सी जो है वो स्टार्ट भी चेक पॉइंट के बाद हुई है और कमिट भी सिस्टम क्रैश से पहले हो गई है. ट्रांजेक्शन टी डी स्टार्ट आफ्टर द चेक पॉइंट एंड वॉज एक्टिव एट द टाइम ऑफ द सिस्टम क्रैश. अब जो ट्रांजेक्शन टी डी थी वो चेक पॉइंट के बाद अकर तो हुई है मगर वो क्रैश हो गई है सिस्टम में, ऐसा ही है. क्या लिखा हुआ है, वॉज एक्टिव एट द टाइम ऑफ सिस्टम क्रैश. यहाँ पर इस टाइम पे जाकर जहाँ पर हमारा ट्रांजेक्शन फेल हो रही थी उस टाइम पर ट्रांजेक्शन टी डी मेरे पास एक्टिव थी. एक्शन दैट आर टेकन बाय द रिकवरी मैनेजर. अब जो रिकवरी मैनेजर है उसने इसको कैसे हैंडल करना है. नथिंग इज डन विद टी ए. ऑब्वियसली उसको टी ए के साथ कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो तो फेल होने से पहले है. ट्रांजेक्शन रीडू इज परफॉर्म फॉर टी बी एंड टी सी. ये टी बी और टी सी के लिए ट्रांजेक्शन रीडू इसलिए परफॉर्म करेगा, जो टी बी है इस चेक पॉइंट के बीच में आ रही है इसलिए रीडू पॉइंट करेगा इसके लिए, और ट्रांजेक्शन टी सी जो है उसके लिए रीडू पॉइंट इसलिए करेगा ताकि ये सिस्टम में से एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए इनकेस अगर यहाँ पर फेलियर आ जाता है तो, क्योंकि यहाँ पर चेक पॉइंट है, इससे पीछे डाटा कंसिस्टेंट है, इसके बाद डाटा कंसिस्टेंट है, मगर सेंटर में तो कंसिस्टेंट नहीं है, इसलिए इसने इसके लिए क्या परफॉर्म किया, रीडू. और ट्रांजेक्शन टी डी जो है वो सिस्टम के फेलियर के अंदर आ गई, आधी हो चुकी थी और आधी नहीं हुई थी, उसके लिए उसको क्या करना पड़ा है, उसको अनडू करना पड़ा है कि ये जो इसने 10,000 निकाले थे ये वापस इसके अकाउंट में डाल दो क्योंकि इसके हाथ तक ये 10,000 रुपया नहीं पहुंचे. ओके, लास्ट मैनेज ट्रांजेक्शन रिकवरी यूजिंग अंडू एंड रीडू. किस तरह से हम ट्रांजेक्शन रिकवरी अंडू और रीडू के थ्रू करते हैं वो मैं आपको पीछे भी बता चुकी हूँ, यहाँ पर भी एक बार हम एक्सप्लेन कर लेते हैं. ट्रांजेक्शन रिकवरी इज डन टू इलिमिनेट ऑल द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द फॉल्टी ट्रांजेक्शन रेदर देन द रिकवरी फ्रॉम द फेलियर. हमारी जितनी भी फॉल्टी ट्रांजेक्शन है उन सबको खत्म करने के लिए हमें रिकवरी फ्रॉम फेलियर करनी पड़ती है. फॉल्टी ट्रांजेक्शन इंक्लूड ऑल द ट्रांजेक्शन दैट हैव चेंज्ड द डेटाबेस इनटू द अनडिजायरेबल स्टेट. वो सारी ट्रांजेक्शन जो कि गलत होती है हमारे डेटाबेस को एक अनडिजायर्ड स्टेट में ले जाती है, वो हमारे पास कौन सी ट्रांजेक्शन होती हैं, फॉल्टी ट्रांजेक्शन होती हैं. ट्रांजेक्शन रिकवर्स इन दीज टू फेजेज, एक अनडू फेज होती है और दूसरी क्या होती है, रीडू फेज होती है. अनडू फेज में क्या करते हैं, जितनी भी फॉल्टी ट्रांजेक्शन होती हैं जो कि अफेक्ट कर रही होती हैं सिस्टम को, उनको क्या कर देती है, अनडू. और रीडू क्या होती है, ऑल ट्रांजेक्शन दैट आर नॉट फॉल्टी बट हैव बीन अनडन ड्यू टू दी फॉल्टी ट्रांजेक्शन. और वो ट्रांजेक्शन जो कि फॉल्टी नहीं होती मगर किसी दूसरी ट्रांजेक्शन की वजह से वो फॉल्ट में जा रही होती हैं तो उनको हम क्या कर देते हैं, रीडू करते हैं कि इनको दोबारा से कर लें. ओके, स्टेप्स फॉर द अनडू ऑपरेशंस आर, इफ द फॉल्टी ट्रांजेक्शन हैज़ डन इंसर्ट स्टेटमेंट द रिकवरी मैनेजर्स डिलीट द डेटा फ्रॉम द आइटम इंसर्टेड. ये अनडू करता है. इफ द फॉल्टी ट्रांजेक्शन हैज़ डिलीट द रिकवरी मैनेजर इंसर्ट द डिलीटेड डेटा आइटम फ्रॉम द लॉग. कथा क्या है कि जो मेरे पास फॉल्टी ट्रांजेक्शन्स हैं वो अगर कुछ इंसर्ट करना चाह रही हैं डेटाबेस में और वो उनको हम अनडू करना चाहते हैं वापस, तो उसके लिए हमें रिकवरी मैनेजर क्या करता है, वो डिलीट कर देता है क्योंकि उसने कुछ उसमें इंसर्ट किया है. और अगर जो है फॉल्टी ट्रांजेक्शन हमारे सिस्टम में से कोई अमाउंट डिडक्ट कर रही होती है यानी कि डिलीट कर गए 10,000 रुपया, तो फॉल्टी मैनेजर उसको वापस इंसर्ट कर देता है अनडू वाली स्टेट में. और इफ़ द फॉल्टी ट्रांजेक्शन हैज़ अपडेट द रिकवरी मैनेजर इलिमिनेट्स द वैल्यू राइटिंग बिफोर द अपडेट लॉग. और अगर वो कुछ अपडेट करना चाह रहा है अपना डाटा यानी बैंकिंग पैसे डिपॉजिट करना चाह रहा है मगर जब क्योंकि उसमें एरर आ रहा है उसको अनडू करना है, तो रिकवरी मैनेजर उसको अपडेट नहीं करवा रहा होता अनटिल एंड अनलेस उसका लॉग मेंटेन ना हो जाए. इसी तरह रीडू किस तरह होता है, इफ द ट्रांजेक्शन हैज़ डन इंसर्ट द रिकवरी मैनेजर्स जनरेट एंड इंसर्ट फ्रॉम द लॉग फाइल. रीडू में क्या है, जब आपके पास सिस्टम रिकवर हो रहा है उसको दोबारा से वो आप काम करने का कह रहे हैं, उसमें फेलियर नहीं आ रहा, कोई सिस्टम में इंसर्ट करना चाह रहा है डाटा, तो रिकवरी मैनेजर एक इंसर्ट की लॉग मेंटेन करता है और उसको डिस्क में स्टोर करा देता है जी इस टाइम इस दिन यहाँ पर से इतना डाटा जो है किसी क्लाइंट ने इंसर्ट किया. देन डिलीट के टाइम पे वो डिलीट की लॉग मेंटेन करता है. और इसी तरह अपडेट टाइम पे कोई रिकॉर्ड अपडेट करना चाहता है तो उसके लिए कौन सी लॉग मेंटेन कर देता है, अपडेट लॉग मेंटेन कर लेते हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. बेटे अगर किसी को रिकवरी और फेलियर में से कुछ समझ नहीं आएगी तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.